आपने बहुत सारे सितारे ऐसे देखे होंगे जिन्होंने कमाल की एक्टिंग की, फेमस भी हुए, लेकिन आगे फिल्मों में नजर नहीं आए। जी हाँ, कई बार अपनी ही गलतियां खुद के करियर पर भारी पड़ जाती हैं, और यही हुआ इन 11 सितारों के साथ। एक गलती और पूरा करियर इनका बर्बाद हो गया। चलिए आपको इस पैकेज में बताते हैं आखिर इनसे गलतियां क्या हुई। मनीषा कोइराला। एक समय था जब मनीषा कोइराला इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल रही थीं, लेकिन मनीषा इस स्टारडम पीरियड्स में कई गलतियां कर बैठी। वो गलत खान पान जैसे शराब, सिगरेट आदि लत की शिकार हो गई थी, जिसके चलते वो धीरे धीरे गुमनाम होती गई। ममता कुलकर्णी। बॉलीवुड में कई हिट फिल्में देकर ममता रातों रात छा गई, लेकिन तभी ममता का नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ गया। उन पर नशा तस्करी के आरोप लगे, वो कई सालों तक दुबई की जेल में रही। वहीं मुंबई पुलिस भी उन्हें सालों ढूंढती रही। ममता आज विदेश में ही रह रही हैं, लेकिन इंडस्ट्री से बहुत दूर हो चुकी हैं। मंदाकिनी और मोनिका बेदी। ममता कुलकर्णी की तरह ही मंदाकिनी और मोनिका बेदी का नाम भी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा, जिसके चलते दोनों ही अपना फिल्मी करियर खुद खराब कर बैठी। मोनिका तो अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के साथ पुर्तगाल में पकड़ी गई थी, जिसके बाद उन्हें जेल की भी हवा खानी पड़ी। वहीं मंदाकिनी का नाम दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ा था और कुछ तस्वीरें भी दाऊद के साथ बैठे वायरल हुई। विवेक ओबेरॉय। फिल्म कंपनी साथिया जैसी फिल्मों में काम करने वाले विवेक ओबेरॉय ने सलमान खान से पंगा ले लिया था, जो उनके करियर पर भारी पड़ गया। दरअसल उन दोनों की लाइफ में उस समय एक ही लड़की थी, जिसका नाम था ऐश्वर्या राय बच्चन। सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश और विवेक की नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। वहीं विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सलमान खान के बारे में कई ऐसी बातें बोली जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि सलमान उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। बस उसके बाद से विवेक का करियर खत्म हो गया। शक्ति कपूर। फिल्मों में लंबी पारी खेलने वाले शक्ति कपूर बहुत सी फिल्मों में नजर आए, लेकिन उनकी छोटी सी गलती उनकी लाइफ पर महंगी पड़ गई। खबरों के मुताबिक साल 2005 में उनको एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कास्टिंग काउच का दोषी पाया गया, जिसमें वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को समझौता करने का ऑफर देते हैं। बस इसके बाद से ही उन्हें फिल्म मिलना बंद हो गई। फरीद खान। इंडस्ट्री के चॉकलेट बॉय कहे जाने वाला फरीद खान का स्टार्टिंग करियर अच्छा रहा था, लेकिन उनका करियर तब डूब गया जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोकीन रखने के लिए उन्हें हिरासत में ले लिया था। उसके बाद वो इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब हो गए। काफी समय बाद लोगों को जब वो दिखे तो उनका लुक बिल्कुल बदल गया था, उनका वजन काफी बढ़ चुका था। शाइनी आहूजा। गैंगस्टर, लाइफ इन मेट्रो, भूल भुलैया, वेलकम बैक जैसी फिल्मों में शाइनी ने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की थी कि लोग उनकी अदायगी के दीवाने हो गए। लेकिन 2009 में शाइनी पर उनकी ही नौकरानी से रेप और धमकाने का आरोप लगाया गया था, जिसके चलते उन्हें 7 साल की जेल भी हुई। इसके बाद शाइनी का करियर खत्म भी हो गया। अभिजीत भट्टाचार्य। एक समय सिंगर अभिजीत की आवाज को शाहरुख खान की आवाज कहा जाता था। उन्होंने शाहरुख की फिल्मों के लिए कई हिट गाने गाए, लेकिन अभिजीत ने अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, हेट स्पीच और खान हीरोज के खिलाफ बयानबाजी कर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। इसके बाद उन्हें काम मिलना धीरे धीरे बंद हो गया।